हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। और टुडेज टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 7, क्लास प्लस 2। क्वेश्चन नंबर थ्री में कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो आपके पास जो है वो पर्टिकुलर्स दिए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हैं, डेप्रिसिएशन दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया है, गुडविल रिटन ऑफ दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है, इनकम टैक्स पेड दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं और नेट प्रॉफिट दिया है। और इसी के साथ साथ आपके पास क्रेडिट साइड में सेल दी है, डिविडेंड रिसीव दिया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग दिया है और कुछ आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास दिया है क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग और क्रेडिटर एट द एंड, डेटर्स एट द बिगिनिंग और डेटर एट द एंड, ये क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग और क्रेडिटर एट द एंड दिए हुए। उसके बाद आपके पास डेटर एट द बिगिनिंग और डेटर एट द एंड दिए हैं, स्टॉक एट द बिगिनिंग और स्टॉक एट द एंड दिए हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दिए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दिए हैं। तो आपने किस प्रकार से जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड व्हेन इन्फॉर्मेशन आर नॉट गिवन, इट इज वेरी मच क्लियर कि यू हैव टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। क्वेश्चन आप चाहे डायरेक्ट मेथड से करो चाहे इनडायरेक्ट मेथड से करो, आंसर जो है वो सेम आता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्लियर किया था भी, जो चाहे डायरेक्ट मेथड से करें चाहे इनडायरेक्ट मेथड से करें तो आंसर जो है इसका हमेशा एक ही जैसा आता है। तो आप किसी भी मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं, बट व्हेन इन्फॉर्मेशन आर नॉट गिवन इट इज वेरी मच क्लियर हेयर कि आप जो है क्वेश्चन को जो है इनडायरेक्ट मेथड से करें, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड से जो है क्वेश्चन जो है वो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 3, हम करते हैं और कैसे हम किसको करेंगे, तो आप क्वेश्चन को करते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड से करें, आंसर जो है सेम आएगा। तो आप ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का अमाउंट इन रुपीज, फिर पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। तो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, पर्टिकुलर्स में हमारे पास सबसे पहले दिया नेट प्रॉफिट, तो यहां पर हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो हमारे पास जो है वो नेट प्रॉफिट जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया है वो दिया है जी, आपके पास जो नेट प्रॉफिट दिया है वो दिया है 2,05,000। तो 2,05,000 आप नेट प्रॉफिट लिखेंगे। आउटर कॉलम में उसमें आप ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ऐड आप इसमें करेंगे, जब आप ऐड करेंगे इसमें तो ध्यान रखें इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ऐड करेंगे आप इसमें से इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को इसमें ऐड किया जाएगा और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है ये आपके पास दिया है 63,000। 63,000 जब आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा क्या जी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो नेट प्रॉफिट जो है वो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपके पास आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो आपके पास आया वो आया जी 2,68,000। ये आपके पास आया 2,68,000, 2,68,000 जो आपके पास आ गया ऐड करेंगे आप इसमें, ऐड करेंगे इसमें आप एडजस्टमेंट फॉर जितनी भी एडजस्टमेंट है चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की, जिसमें ऐड करेंगे आप डेप्रिसिएशन, ऐड करेंगे आप डेप्रिसिएशन जो हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो दिया जी 1,60,000। तो 1,60,000 आप डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, 1,68,000 के बाद आप करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ऐड करेंगे आप इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो जो आपको मशीनरी पे लॉस हुआ उसको आप ऐड करेंगे और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आपके पास दिया है 35,000। इसके बाद आप अगली आइटम ऐड करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, जो आपके पास गुडविल दी हुई है उसको आप राइट ऑफ करते हैं, उसको आप ऐड करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ, नॉन फंडेबल आइटम दैट मींस कि नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम ऐड कर रहे हैं। तो गुडविल रिटर्न ऑफ, जो गुडविल रिटर्न ऑफ है वो है जी आपकी 12,000 आप गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं जो आपने राइट ऑफ किए उनको भी आप ऐड करेंगे और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आइटम ऑफ राइट ऑफ है आपके 15,000।
उसके बाद आप अगली आइटम ऐड करेंगे इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद, यानी कि इन सबको आप ऐड करेंगे और ये इसका टोटल जो आपके पास हुआ, यानी कि और कोई चीज आई है नहीं, तो इसके बाद इसको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास आया 2,22,000। इन सबका टोटल जो आपके पास आया वो आया जी 2,22,000। जब इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 4,90,000। ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 4,90,000। तो 4,90,000 की वैल्यू में अब आप लेस करेंगे, जिसमें से आप लेस करेंगे, जो लेस की करने की वाली आइटम है वो है जी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। सबसे पहले आप लेस करेंगे नॉन फंडेबल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, तो इसमें से आप लेस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, और साथ में आप लेस करेंगे डिविडेंड रिसीव, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो डिविडेंड रिसीव्ड। इन दोनों प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग आपके पास दिया है 50,000, और जो आपके पास डिविडेंड रिसीव दिया है ये दिया आपके पास 10,000। इन सबको जोड़ देंगे आपके पास है 60,000। 60,000 आप इसमें से माइनस करेंगे तो जो आपके पास माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी 4,30,000। ये जो 4,30,000 आपके पास आई आइटम आई, ये आई जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आपके पास आया, ये जो आपके पास आया ये आया जी आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहां लिख दिया हमने 4,30,000। अब ऐड करेंगे आप इसमें, ध्यान रखिए आप इसमें ऐड करेंगे, जो ऐड किया जाएगा वो किया जाएगा जी ऐड डिक्रीज इन करंट असेट। ऐड जो आप इसमें करेंगे वो करेंगे, ऐड करेंगे इसमें आप डिक्रीज इन करंट असेट, ऐड जो आप इसमें करेंगे वो करेंगे जी डिक्रीज इन करंट असेट। क्या ऐड करेंगे? डिक्रीज इन करंट असेट, तो डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो डिक्रीज इन करंट असेट में हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ स्टॉक, स्टॉक जो हमारे पास दिया हुआ है डिक्रीज जो स्टॉक हुआ वो आया 25,000, और जो क्रेडिटर डिक्रीज होके रहे, यानी कि आज जब आप करंट ईयर के फिगर से प्रीवियस ईयर का फिगर घटाएंगे तो आपके पास ये रहे जी 25,000, यानी कि क्रेडिटर जो है इंक्रीज हुए 25,000 है, स्टॉक डिक्रीज हुआ और क्रेडिटर जो है वो आपके इंक्रीज हुए, और स्टॉक के अतिरिक्त कोई और चीज डिक्रीज नहीं हुई करंट असेट में, तो क्रेडिटर जो है वो इंक्रीज हुए क्योंकि ये लाइबिलिटी है, और आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसिस भी इंक्रीज हुए, आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसिस, आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसिस भी जो है वो डिक्रीज हुए 2,000 से, और जब आपने टोटल जोड़ा तो ये आपके पास आया 52,000, और 52,000 जब आप इसमें जोड़ेंगे 52,000 तो आपके पास ये आपके पास आया जी 4,82,000। और फिर आप इसमें से लेस करेंगे, आप सभी जानते हैं आप इसमें से फिर आप लेस करेंगे, जो लेस किया जाएगा अर्थात जो लेस की आइटम है, जो क्या चीज लेस की जाएगी, लेस इसमें से किया जाएगा जी इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी एंड सॉरी इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। जो लेस किया जाएगा वो किया जाएगा इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो जिसमें डेटर आपके इंक्रीज हुए, सबसे पहले आपके डेटर्स इंक्रीज हुए, डेटर्स जो इंक्रीज हुए वो है जी 40,000 से, और साथ में आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसिस जो है वो क्या है जी डिक्रीज हुई लाइबिलिटी, यानी कि डेटर्स केवल मात्र करंट असेट हमारे डेटर ही डिक्रीज हुए इंक्रीज हुए, और आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग क्या जी ऑफिस एक्सपेंसिस, जो आपके ऑफिस एक्सपेंसिस हैं वो डिक्रीज हुई करंट लाइबिलिटी में, और वो आपके 5,000। तो जब टोटल किया आपने तो ये आपके पास आया 45,000। 45,000 आप इसमें से माइनस करेंगे, जब आपने इसमें से माइनस किया तो जो आपके पास आया उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो आपके पास आता है, ये आपके पास आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर जो टैक्स आता है,
ये जिसको आप बोल सकते हैं, ये आपके पास है 4 लाख, ये आपके पास आया जी 4 लाख, ये आपके पास आया 4,37,000, और इसमें से लेस किया आपने, लेस आपने किया इसमें से, ये आपके पास लेस किया आपने इसमें से इनकम टैक्स। तो जब आपने इसमें से इनकम टैक्स लेस किया 63,000 का, तो जो आपके पास आंसर आया क्वेश्चन नंबर, जो आपका अगला क्वेश्चन है उसका जो आंसर आया वो आपके पास आया 3,74,000। तो इस प्रकार से ये जो आपके पास आया इसको बोलते हैं नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये जो आपके पास आया ये आया जी आपका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये आपके पास आया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।